तो फाइनली गाइस रेमो डिसूजा ने एबीसीडी 3 का टीजर लॉन्च कर दिया है। टीजर में एबीसीडी 1 और 2 का हिस्सा रह चुके प्रभु देवा है और एबीसीडी 2 का हिस्सा रह चुके वरुण धवन भी है। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो यह है कि श्रद्धा कपूर, यस जी हाँ, श्रद्धा कपूर इस फिल्म में नहीं है और श्रद्धा की जगह इस बार ले ली है कैटरीना कैफ ने। तो यार कहा जाता है कि एबीसीडी 3 इंडिया की सबसे बड़ी डांसिंग मूवी होने वाली है और सबसे ज्यादा बजट की डांसिंग मूवी होने वाली है। तो वरुण और कैटरीना की जोड़ी आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। और सलमान खान के द बैंग टूर में वरुण और कैटरीना की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। वैसे गाइस सलमान खान भी इस मूवी में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, उन्होंने ही कैटरीना को यह रोल दिया है। वैसे एबीसीडी 2 7 नवंबर 2019 को आने वाली है और उस टाइम सलमान खान फ्री है। सलमान खान की उस वक्त कोई भी फिल्म नहीं आने वाली है, इसलिए सलमान इस फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। पहले बहुत ज्यादा ऐसी खबर थी कि डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ काम करने के बाद अब टाइगर श्रॉफ के लिए एबीसीडी 3 में फिक्स और पक्की जगह मिल सकती है। लेकिन फ्लाइंग जेट टाइगर का टीजर में नाम भी नहीं है और शायद टाइगर का इस फिल्म से वरुण धवन ने पत्ता कट कर दिया है। तो श्रद्धा कपूर एबीसीडी 3 से आउट क्यों हुई ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट करके नीचे जरूर बताना।